हेलो दोस्तों, मेरा नाम हसन है और कैसे हैं आप? बेशक आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको किसी मॉड्यूल या किसी सर्किट के बारे में नहीं बताने वाला हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए ये छोटा मिनी होम थिएटर लेकर के आया हूं। दोस्तों ये होम थिएटर जो है मेरा नहीं है, मेरे एक फ्रेंड का है। मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था और मैंने उसके यहाँ इसे चलते हुए देखा, तो मुझे इसके साउंड और इसका बेस काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इसके बारे में बताया जाए और थोड़ी बहुत डिटेल आपको इसके बारे में दी जाए। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3-in-1 बूफर है या 3-in-1 एक छोटा सा होम थिएटर है। दोस्तों इसमें हमें दो स्पीकर मिलते हैं और एक स्पीकर इसके अंदर है जो कि बूफर का काम करता है। और दोस्तों इसके लिए हमें ये वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन करने के लिए इसमें एक रोटेटरी ऑप्शन दिया हुआ है। और दोस्तों इसका कलर जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका कलर हमें मेटेलिक कलर मिलता है जो कि काफ़ी, इसका डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है इसका दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसके स्पीकर का कलर भी काफ़ी अच्छा कलर है जो कि ब्लैक मेटेलिक कलर का है और इसके ऊपर ये काफ़ी खूबसूरत प्रिंटिंग हुई हुई है और इसके स्पीकर भी काफ़ी अच्छे हैं। ये क्वांटम कंपनी का हमारा एक मिनी होम थिएटर है। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाता हूँ वूफर की, इसके पीछे की साइड कुछ हमें वूफर प्लस का मिलता है, यानी कि इसमें हमारा जो बेस होगी वो बेस भी हमें इसके अंदर मिलती है। ये एक बेस का इसका छोटा सा स्पीकर है। वैसे तो इसके अंदर कोई स्पीकर नहीं होता है, ये खाली एक रबड़ लगी हुई है। ये जो हमारा बेस का ये स्पीकर है, ये स्पीकर बेस बनाता है, तो इसकी थोड़ी सी धमक को ये निकाल देता है, बस और कुछ नहीं है। दोस्तों मैं इसको चलाने से पहले आपको थोड़ी बहुत और बातें इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसके हमें, इसके साथ हमें ये ऑक्स मिलती है जो कि हमारे मोबाइल के 3.5 mm वाले जैक के अंदर आराम से फिट हो जाती है। और दोस्तों इसके वायर की जो लेंथ है वो कम से कम 1 मीटर की लेंथ है। इन स्पीकरों के वायर की भी 1 मीटर के आसपास की लेंथ है। और दोस्तों हमें इसके साथ ये एक USB पोर्ट मिलता है, USB कनेक्टर मिलता है जो कि हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से कनेक्ट हो जाता है। दोस्तों अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप इन स्पीकरों का यूज़ अपने लैपटॉप में कर सकते हैं, और अगर आपके पास कंप्यूटर है तो इस कंप्यूटर में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास LCD LED है तो उसके अंदर भी आसानी से कनेक्ट हो जाता है और काफ़ी अच्छे साउंड हमें सुनाता है। और दोस्तों अगर आप इसे मोबाइल के साथ कनेक्ट कर चलाना चाहते हैं तो उसके साथ आपको कोई पावर बैंक कनेक्ट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक पावर बैंक है, मैं आपको थोड़ी देर में इसके साथ इससे कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे चलता है, इसके साउंड भी आपको मैं सुनाऊंगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि कंपनी का ये क्वांटम कंपनी का हाईटेक क्वांटम कंपनी है। वैसे तो ये कंपनी कोई खास कंपनी नहीं है, मगर इसके साउंड जो है काफ़ी अच्छे साउंड है। ये दोस्तों मिनिमम आपको मार्केट से अगर आप परचेस करेंगे तो ये मार्केट से आपको और कम से कम 500 से 600 रुपये में मिल जाएगा, और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा इसका प्राइस है, कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और दोस्तों चलने में भी ये काफ़ी अच्छा है, इसके साउंड भी काफ़ी अच्छे आते हैं और आवाज़ ज़्यादा लाउड नहीं है, मगर ये है कि काफ़ी अच्छे साउंड ये हमें दे देता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस USB केबल को इस पावर बैंक के अंदर कनेक्ट करने जा रहा हूँ, और ये दोस्तों कनेक्ट करते के साथ ही इसके अंदर ये ब्लू कलर की लाइट चल गई है। दोस्तों मैं इस ऑक्स को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं आपको एक वीडियो बजा करके चला करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे कि आपको आवाज़ आ रही होगी, दोस्तों इसके साउंड भी काफ़ी अच्छे हमें मिल रहे हैं। दोस्तों शायद आपको इसके स्पीकर बेस निकलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है। दोस्तों जैसे कि आपने इसके साउंड सुना होगा, इसके साउंड काफ़ी अच्छे हमें आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे साउंड्स के हमें सुनाई दे रहे हैं। ये दोस्तों छोटा पैक बड़ा दिमाग वाली बात हो गई है, शायद आपको भी इसके साउंड पसंद आया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की नई नई वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। और दोस्तों अपना कीमती टाइम निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।